किसान भाई को मेरा नमस्कार और नाम मेरा कमलेश्वर है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो एमवे का वेबसाइट है उसके रखरखाव के बारे में, क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है उसके जब अपन उसको यूज लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट तरीका जो है, सबसे पहली चीज़ तो आपको लेनी है तो वेबसाइट से लेनी है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से लेना है, डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट से खरीदना है जो कि ओरिजिनल प्रोडक्ट मिले आपको। फिर रखरखाव की बात आती है तो जब अपन उसको यूज़ करते हैं तो वेबसाइट को ऐसे ढक्कन खोल के उसके अंदर अपन डालते हैं तो उसको पानी के अंदर खंगाले नहीं। अगर वेबसाइट के डिब्बे के अंदर एक बूंद भी पानी की चली गई तो वो सारा का सारा एक्टिवेट हो जाता है 12 घंटे के अंदर, उसके बाद में उसको यूज़ करने लायक नहीं रहता है। तो आप उस वेबसाइट को पानी से बचा कर रखें और उस अगर ढक्कन के अंदर अगर आप वेबसाइट निकालते हैं तो उसको अंगुली से निकालें, न कि उसको पानी के अंदर खंगालें। तो पानी से बचा के रखना है वेबसाइट को, चाहे आप कितने दिन रख लें लेकिन पानी से दूर रखना है अगर आप वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं तो। बच्चों से दूर रखना है उसको, डिब्बे को अगर आप रखते हो तो बच्चों से दूर रखना है। तो ये इसके रखरखाव के सिंपली है। और जब आप उसको इस्तेमाल करें तो क्वांटिटी से ज़्यादा उसको इस्तेमाल ना करें। अगर आपको सपोज़ जैसे मैं बताऊं आपको कि अगर कीटनाशक के अंदर आप डालते हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कीटनाशक प्लस यूरिया प्लस और भी बहुत सारे लिक्विड मिला के और फसल के अंदर स्प्रे करवा देते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आप कीटनाशक के साथ में इस्तेमाल करते हो तो जो क्वांटिटी आपको बताई गई है, जो डिस्ट्रीब्यूटर आपको बताते हैं, उसी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उसको इस्तेमाल करें। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, भारी पड़ सकता है यानी कि। तो ये बहुत ही सिंपली काम है और आप इस तरह से वेबसाइट को रखरखाव और बहुत सारी सावधानियाँ इसके अंदर बरतनी होती है। बाकी ये कोई दवाई नहीं है, हमारे बहुत सारे किसान इसको दवाई के रूप में जानते हैं, भाई वेबसाइटी ये दवा है, बाकी ये कोई दवाई नहीं है। ये गुणवर्धक टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, एफजुएन टेक्नोलॉजी से, जो किसी के पास नहीं है अवेलेबल, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी के पास में अवेलेबल है। बाकी बहुत ही ज़बरदस्त कारगर है, हमने इतने किसानों के पास में पहुँचाया है, बहुत ही किसान, हर किसान भाई का इस रिस्पॉन्स अच्छा मिला है। हो सकता है जो 10% किसान जिन्होंने अभी इसको यूज़ करने का जो प्रॉपर ढंग है उससे उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है तो उनको रिस्पॉन्स थोड़ा कम मिला है, बाकी 90% किसानों को इसका फ़ायदा मिला है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, आप लोगों को ये सारी सावधानियाँ ध्यान रखनी है। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे वेबसाइट को यूज़ करने में कितनी सावधानियाँ रखनी पड़ती है। और दोस्तों, अगर आपका वेबसाइट को लेकर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके बेफिक्र होकर मुझे पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूँ, भले ही थोड़ा लेट देता हूँ लेकिन उसका रिस्पॉन्स मैं ज़रूर देता हूँ। अगर वेबसाइट के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस आई बटन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके भी आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू द बेस्ट।